आते हैं कि आपकी भी कोई मकान का संकल्प है, आपकी कोई इच्छा है इस तरह की कि आपका भी मकान बने और बहुत सालों से आपकी इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप दृढ़ मनोबल से, दृढ़ श्रद्धा से मकान बना करके आप यहाँ पर जाते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होते हैं। और ये कौन सी जगह वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत। चढ़ना यहाँ पे बहुत मुश्किल है पर उतरना बहुत ही आसान है। और नीचे आप देख सकते हो यह राजस्थान का एक छोटा सा क्षेत्र है। गाइज, आज हम लोग चल रहे हैं एक बहुत ही अनोखे से टेम्पल के अंदर, जहाँ के भी आप, जहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का अनोखा दृश्य क्या है और उस टेम्पल की खासियत क्या है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है और उसका चमत्कार क्या है। तो चलिए, आज फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर देवी के टेम्पल के दर्शन कराऊंगी और साथ ही उस टेम्पल के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। चलिए चलते हैं। बस तो अभी हम पहुंचे हैं आधे स्टेशन पे और ये है रतनगढ़ से आके छपरो रतनगढ़ के बीच में। तो दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका हमें पता नहीं होता है और जो वो हमारे जीवन में एक चमत्कार ही हो सकता है। बहुत ही मीठी मीठी से पुराने गीत बज रहे हैं और ये मेरा पहला ब्लॉग है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी साल पहले में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरी मन्नत जो है वो पूर्ण हुई थी। कौन सी जगह है, क्या है, अभी ये सीक्रेट है, मैं आपको बताऊँगी पूरा डिटेल्स में बताऊँगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, कौन सी जगह है और कौन सी मन्नत जो इंसान के लिए अहम होती है, बहुत ही अहम होती है। चल रहे हैं और लगभग हम रतनगढ़ के पास पहुंच चुके हैं और अभी देखिए सूर्य उदय का समय हुआ है। हम सुबह सुबह जल्दी ही निकल पड़े थे और हमारा लक्ष्य था कि मेरा तो मकान बन चुका है और हमारे साथ में एक सहयोगी थे, तो उन्होंने ये जाना कि भाई इस तरह का चमत्कार होता है, एक टेम्पल है जहाँ पर जाकर के हम अपनी जो मन्नत रख सकते हैं, अर्जी रख सकते हैं देवी के चरणों में और जल्द ही वो अर्जी जो है आपकी मंजूर कर ली जाती है, देवी की कृपा होती है और आपका जो घर है वो बन जाता है। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, किस तरह का चमत्कार होता है, सारी बातें या सारी हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनकी सफल या सिद्धि तब होती है जब हमारे अंदर पूरी श्रद्धा हो। अगर कोई भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ पर आता है और अपनी जो मन्नत होती है मकान के लिए क्या है, काफ़ी बार हम सोचते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं, लंबा लंबा समय निकल जाता है पर बना नहीं पाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। मैं आपको पूजा रंजी से भी बात कराऊंगी और जिनकी ये जो मांग है, जो मन्नत है पूर्ण हुई है, उनसे भी मैं आपसे बात कराऊंगी। व्लॉग आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान के चूरू जिले में और छापर और पड़ीहारा के बीच का ये भव्य नज़ारा होगा और भव्य ऐतिहासिक माता रानी का मंदिर है। अगर कभी भी आपको राजस्थान आने का मन हो, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो, अगर आपको राजस्थान आने का मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ के देवी के दर्शन कीजिए। और ख़ास तौर पे अगर आप मकान बना रहे हो और बन नहीं पा रहा है, काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं आप पर बहुत कई बार अड़चनें आती रहती हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे हम अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, लगभग वो आप देख रहे हो पूरी एकदम से ऊंचा टिब्बा, मैं आपको अब जहाँ से दिखा रही हूँ बहुत दूर है भी पर बहुत ऊंचाई पे है। और ये है रणधीसर की पहाड़ियाँ छापर और पड़ीहारा के बीच का ये सीन है और आपको एकदम सामने देखिए, अब ठीक सामने अब देखिए ये रहा, इतनी ऊंची पहाड़ी है और ये सीधे। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं चल रही हूँ और ये बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पे क्या खासियत है,
और इस जगह की और इसे यहाँ पे आना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले चलते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद इस जगह की जो खासियत है वो मैं आपको बताऊंगी, कौन से मनोरथ की हमारी पूर्ण होती है, कौन सी हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारे जो संकल्प होते हैं वो यहाँ आने के बाद पूरे हो जाते हैं। तो अभी ऊपर चढ़ना है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो आप देख सकते हो ऊपर चढ़ने के बाद मैं आपसे, आप देख सकते हो ये है सीन। और हम अपनी गंतव्य से थोड़ी ही दूर है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसका जो सीन, राजस्थान का मशहूर टेम्पल है और यहाँ पे आने वालों के मनोरथ तो निश्चित तौर पे सिद्ध होते हैं। मैं यहाँ लगभग 10 साल पहले आई थी और ये दूसरा ट्रिप है मेरा यहाँ पे आने के लिए। और बहुत सारे लोग, मैं आपको एक सीन दिखा रही हूँ, इस तरह से ये जो मकान है वो यहाँ पर बना करके जाते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, इनसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मकान बना करके जाते हैं, वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, चलते चलते तो ये आप देख रहे हो बहुत, अभी तो काफी सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं और आधे से ज्यादा सफर हम तो ही कर चुके हैं, चलते हैं। तो अब आप जरूर देखिए दूर दूर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर अभी काफ़ी ऊंचा है और हम लोग भी काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ से नीचे देखने पर ऐसे लगता है डर जैसे गिर ना जाए। तो आप सारा सीन देख सकते हो, चलते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और जाकर के मैया के दर्शन करते हैं। बहुत ही मतलब हमारे जो मन की इच्छाएं होती है वो यहाँ आकर के पूर्ण होनी चाहिए। और अगर आपके भी इस तरह की कोई भावनाएं हैं, कोई परेशानी है कि आप मकान बनाना चाहते हैं और नहीं बन रहा है, तो आप संकल्प पूर्वक और यहाँ मैया के दर्शन के लिए बोलिए, निश्चित ही आपका जो संकल्प है वो पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है मकान बनाने की वो भी पूर्ण होगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रही हूँ दर्शन के लिए। और ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे जो लोग होते हैं इस तरह से मकान,
दोस्तों हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो, और दूर दूर का नजारा भी मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ। और जो यहाँ की खासियत है, जो यहाँ की हमारी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसका एक यहाँ पे मैं आपको, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े मकान बने हुए पत्थरों के, ये लोग श्रद्धा से यहाँ बना के जाते हैं और माता के चरणों में अपनी इच्छा रखते हैं। जब भी जल्दी से जल्दी उनकी इच्छा पूर्ण होती है, वो वापस आकर के और माता रानी के चरणों में दर्शन करते हैं और श्रद्धा समर्पित करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी लगभग 10 साल पहले, और तब मैं भी इसी तरह का कोशिश की थी मैंने भी, और जल्दी ही, बहुत ही जल्दी मेरा भी मकान बन गया था। और अभी वापस आए हैं कुछ श्रद्धालुओं के साथ में, और उन्होंने ये कोशिश की है कि उनकी भी यहाँ पे इच्छा पूर्ण हो। थोड़ा सा यहाँ का आप नज़ारा भी देख सकते हो, काफ़ी दूर तक ये जो, और ये अभी लगभग 10 बजे का यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हो। और इससे इस जगह का नाम है रणधीसर की पहाड़ियाँ, और ये छापर और पड़ियारा के बीच में है। चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। देखते हैं, मैं मंदिर प्रदर्शन पहुंच चुकी हूं, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फोटो खींचना या वीडियो करना मना है, तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं आपको बाहर आके बताऊंगी। के पुजारी हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या ये जो बाहर हम लोग जो मकान बनाते हैं, श्रद्धा से आते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपने मकान बना करके जाते हैं, तो क्या सभी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है? तो माता जी आप हमें बताइए कि क्या जो हम लोग यहाँ पे मकान बनाते, तो माता जी कह रही है कि अगर कोई सच्चे मन से आता है श्रद्धालु और यहाँ पे मकान बना के जाता है, तो निश्चित तौर पे उनकी जो इच्छा है माता रानी पूरी करती है, और श्रद्धालु फिर से माता रानी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए आता है। उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा है, वो माता रानी पूरी करती है। तो ये रणधीसर पहाड़ी के मंदिर की जो एक बहुत ही खासियत, बहुत बड़ी है, जो लोगों के मन में काफी दिनों से रहती है पर वो कर नहीं पाते या उनकी पूरी नहीं होती है उनकी इच्छा, तो यहाँ पर आने पे आपकी इच्छा निश्चित ही पूर्ण। तो यहाँ पे माता दुर्गा का और माता काली का और शिव जी का मंदिर है, निश्चित ही हमारी इच्छा पूर्ण होती है। और यहाँ पे मैं फोटो तो आपको नहीं अंदर की दिखा सकती सेम, क्योंकि यहाँ पे फोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है। तो आपकी अगर श्रद्धा हो और आप चाहते हो कि आपका मकान नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे दर्शन कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। तो दोस्तों कैसी लगा आज का हमारा रणधीसर की पहाड़ियों में जो देवी का मंदिर है, और उसका वीडियो और उसका चमत्कार आपने देखा, साक्षात चमत्कार तो मैंने देखा है। ऊपर चढ़ना जितना मुश्किल है, उतरना उतना ही आसान भी है, तो आप देख सकते हो उतरते समय कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, अच्छी हवा चल रही है, और दूर दूर का नज़ारा भी एक बार आप देख सकते हो, और बहुत ही ये जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बहुत आसान है, और एक अंदर एक हिम्मत आती है, उसे आप चढ़ भी सकते हो और आपको उतरना भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो कैसे लगा आज का हमारा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और आपकी भी इसी प्रकार की कोई भावना हो, कोई इच्छा हो, कोई संकल्प हो, तो यहाँ पे आप माता रानी के दरबार में आइए, अपनी अर्जी रखिए और अपनी मनोकामनाओं को सफल कीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया ये कौन सी जगह है, ये है रणधीसर की पहाड़ियाँ, छापर, राजस्थान के छापर और पड़ियारा के बीच में है ये। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों माता के दर्शन की और मन्नत की अर्जी चरणों में लगाने का काम हमारा पूर्ण हुआ। हमारे भाई ने यहाँ पे अपनी अर्जी लगाई है मकान के लिए,
और वो भी चाहते हैं कि वो मेरी तरह उनका भी बहुत ही खूबसूरत सा मकान बने। काफ़ी सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं पर नहीं बन पा रहा है, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ माता रानी के। और ये देखिए मेरा तो मकान जीता जागता उदाहरण है। मैंने अपनी अर्जी रखी थी माता रानी के चरणों में और मुझे बहुत ही खूबसूरत मकान हम लोग बना पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।